Hi friends, welcome to our channel Electrical Academy. Welcome to the new session, 3-phase induction motor. Today we are going to discuss introduction and detail construction about 3-phase induction motor. देखो सबसे पहले हमने learn की थी DC motor और DC motor के बाद अभी 3-phase induction motor. And 3-phase induction motor is always superior than DC motor. Nowadays 3-phase induction motor are more popular. Almost 90% in industries 3-phase induction motors are used due to following advantages. देखो 3-phase induction motor के आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं as compared to DC motor. तो वो क्या क्या है वो पहले देख लेते, इसके बाद आपको proof हो जाएगा कि 3-phase induction motor is popular. तो देखो its construction is very simple, its cost is low and it is very reliable. Cost भी इसकी कम है और वो reliable है. It can produce sufficient torque. DC motor जैसा वो टॉर्क तो डेवलप नहीं कर सकता, डीसी सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करते, इतना ज़्यादा टॉर्क तो 3-phase इंडक्शन मोटर डेवलप नहीं कर सकती, लेकिन जितना हमें चाहिए सफिशियंट टॉर्क वो प्रोवाइड कर सकती है. इट हैज़ हायर इफिशियंसी, इफिशियंसी भी ज़्यादा देती है 3-phase इंडक्शन मोटर. मेंटेनेंस कम लगता है क्योंकि देखो 3-phase इंडक्शन मोटर में भी दो टाइप पड़ते हैं, एक होता है स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर और एक है स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर. स्क्विरल केज में आपको स्लिप रिंग्स ब्रशेस नहीं लगते और जो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर है वहाँ स्लिप रिंग ब्रशेस लगते, लेकिन स्लिप रिंग्स ब्रशेस लगते हैं लेकिन ब्रशे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, लेकिन ब्रशेस कंटिन्यूस जब मोटर का नॉर्मल स्पीड जब मोटर लेती है तो ब्रशेस हम निकाल देते हैं, वो सब हम सीखने ही वाले अभी. तो ज़्यादा वियर एंड टीयर फ्रिक्शन वैसा कुछ नहीं होता, तो मिनिमम मेंटेनेंस लगता है. और स्क्विरल केज टाइप ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर, तो वहाँ स्लिप रिंग ब्रशेस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो मेंटेनेंस भी बहुत कम लगता है. कम्यूटेटर भी नहीं रहता 3-phase इंडक्शन मोटर में, कम्यूटेटर जो डीसी मोटर में रहता है. और डीसी मोटर जो हमने लर्न की थी पहले, तो डीसी मोटर डीसी सप्लाई देती है आउटपुट में, एसी सप्लाई प्रोड्यूस करती है, लेकिन कम्यूटेटर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके हमें डीसी सप्लाई देता है. लेकिन यहाँ 3-phase इंडक्शन मोटर है एसी इंडक्शन मोटर, तो यहाँ देखो यहाँ कम्यूटेटर की कोई ज़रूरत नहीं, तो मेंटेनेंस बहुत ही कम लगता है. इन नॉर्मल रनिंग कंडीशन नो ब्रशेस आर रिक्वायर एंड हेंस फ्रिक्शनल लॉसेस आर ऑल्सो रिड्यूस, मैंने आपको अभी बताया. इट हैज़ रीजनेबली गुड पावर फैक्टर, पावर फैक्टर भी मेंटेन रहता है. एंड स्पीड कंट्रोल बाय यूजिंग थायरिस्टर्स कैन गिव वाइड रेंज ऑफ स्पीड. स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर जैसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमने कुछ मॉडर्न पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वहाँ कनेक्ट किए एज लाइक अ थायरिस्टर, या तो फिर हमने वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव को कनेक्ट किया, तो ये जो प्रॉब्लम है स्पीड कंट्रोल का वो भी सॉल्व हो जाता है. तो सभी हमारे लिए एडवांटेजनियस है. और डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज़ लो स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू डीसी मोटर, लेकिन ये भी मैनेज हो जाता है क्योंकि ये सफिशियंट टॉर्क प्रोड्यूस ही करती है 3-phase इंडक्शन मोटर. और स्पीड कंट्रोल डिफिकल्ट है, लेकिन अभी जो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अभी मॉडर्न आए हैं, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव हो या तो फिर थायरिस्टर्स हो, इनकी मदद से आप स्पीड कंट्रोल भी अगर कर सकते हैं तो कोई यह प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए 3-phase इंडक्शन मोटर इज ऑलवेज बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू डीसी मोटर. तो ये इंट्रोडक्शन थी 3-phase इंडक्शन मोटर की. 3-phase इंडक्शन मोटर कहाँ कहाँ यूज होती है, तो लेथ्स, ड्रिलिंग मशीन, फैंस, ब्लोअर्स, पम्प्स, कन्वेयर्स एक्सेट्रा, फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, केमिकल इंडस्ट्रीज हो, फूड इंडस्ट्री हो, सभी जगह पर 3-phase इंडक्शन मोटर को यूज किया जाता है. तो ये इंट्रोडक्शन थी. अभी 3-phase इंडक्शन मोटर के पार्ट्स कौन कौन से देखो, स्टेटर, रोटर, शाफ्ट, बेरिंग्स, फैन, टर्मिनल बॉक्स. ओके, तो देखो ये एक फिगर है 3-phase इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन, इससे मैं बता सकता हूँ आपको. ये है पार्ट, जो बीच वाला जो पार्ट है ये मोटर की फ्रेम है, और मोटर के फ्रेम में जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है स्टेटर. स्टेटर में स्टेटर कोर रहती है और ये स्टेटर वाइंडिंग रहती है, और ये है स्टेटर की फ्रेम. तो स्टेटर फ्रेम, ये स्टेटर वाइंडिंग, और बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट, इनर पार्ट, तो वो स्टेटर की कोर है, सर्कुलर कोर है वो. ये है रोटर, रोटर को बेरिंग्स कनेक्ट किए और एंड रिंग्स कनेक्ट किए. एंड रिंग्स और एंड रिंग्स का क्या काम है, टू प्रोवाइड अ क्लोज कनेक्शन. रोटर को आपको शॉर्ट सर्किट करना है तो क्लोज कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए एंड रिंग्स प्रोवाइड की है, प्रॉपर लॉकिंग हो सके रोटर की. इसीलिए मतलब रोटर आपका परमानेंटली शॉर्ट सर्किट हो और क्लोज कनेक्शन रोटर का फॉर्म हो, इसके लिए आपको यहाँ एंड रिंग्स प्रोवाइड की है. यहाँ एक एंड रिंग है और यहाँ एक एंड रिंग है, और ये है बेरिंग्स, बेरिंग्स भी प्रोवाइड की है. तो ये है बेरिंग्स, ये दो बेरिंग्स आपको दिखाई दे रही है. ये है शाफ्ट, मोटर का ये शाफ्ट है. ये है टर्मिनल ब्लॉक्स,
तो टर्मिनल बॉक्स को आप थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और ये है फैन। फैन इज प्रोवाइडेड फॉर कूलिंग पर्पज, ठीक है। तो यहाँ स्टेशनरी पार्ट कौन सा है, तो ये स्टेटर फ्रेम्स और ये पूरा का पूरा स्टेटर, मतलब स्टेटर जो है पूरा वो स्टेशनरी पार्ट है। स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग और स्टेटर फ्रेम। तो इट इज़ अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर एंड स्टेटर वाइंडिंग इज प्लेस इन द स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर एंड थ्री फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू इट थ्रू द टर्मिनल बॉक्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। रोटर इज कनेक्टेड टू मैकेनिकल लोड थ्रू शाफ्ट। शाफ्ट के जरिए से मैकेनिकल लोड को कनेक्ट करता है ये रोटर, ठीक है। तो मैकेनिकल लोड इंडस्ट्री में आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे इस शाफ्ट को, और वो मोटर जैसे ही रोटेट होगी तो वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी और रोटेशन होगा, और जो भी आपको रोटेट करना है तो वो रोटेट होगा। इस शाफ्ट को लगाओ, मैकेनिकल लोड आपको वहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है। बेरिंग्स आर यूज फॉर सपोर्टिंग टू द रोटेटिंग शाफ्ट। तो रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए ये बेरिंग्स यहाँ प्रोवाइड की गई है। और फैन इज प्रोवाइडेड फॉर कूलिंग पर्पज, टू रिमूव द हीट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस होगी तो वो रिमूव करने के लिए फैन भी अटैच किया। तो देखो अभी हम देखते हैं डिटेल कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो डिटेल में देखना है तो दो मेन पार्ट्स है इंडक्शन मोटर के, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के, एक है स्टेटर और एक है रोटर। तो दोनों पार्ट्स को हम अभी डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो देखो स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी थ्री पार्ट्स है, स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। तो देखो ये बाहर वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है वो है स्टेटर फ्रेम, ये बीच वाला जो है वो है स्टेटर कोर अंदर से, और ये बाहर से जो आपको सर्कुलर दिख रही है वो है स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। तो देखते हैं एक एक डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटर फ्रेम। तो देखो ये है स्टेटर फ्रेम। स्टेटर फिन फ्रेम को हम फिन्स प्रोवाइड किए। देखो ये बाहर का जो ऐसा कटा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है, ऐसा प्लेट्स ऐसे दिख रहे हैं ना बाहर से, तो वो है फिन्स। तो फिन्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं स्टेटर फ्रेम को, टू प्रोवाइड द कूलिंग, टू प्रोवाइड द प्रॉपर वेंटिलेशन सो एज टू गोइंग हीटिंग आउटसाइड। हीटिंग हीट को आउटसाइड फ्लो करने के लिए ये फिन्स प्रोवाइड किए, टू प्रोवाइड अ प्रॉपर कूलिंग, ठीक है। तो ये है आपके फिन्स प्रोवाइड किए स्टेटर फ्रेम को, और टर्मिनल बॉक्स भी कनेक्ट किया है स्टेटर फ्रेम को, ठीक है। और एक फिगर है स्टेटर की, स्टेटर फ्रेम। तो देखो ये स्टेटर फ्रेम आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसका काम क्या है, देखो फंक्शन, टू सपोर्ट द स्टेटर कोर एंड स्टेटर वाइंडिंग। बीच में जो स्टेटर वाइंडिंग रहती है यहाँ और स्टेटर कोर रहती है, मैंने आपको दिखाई ना पहले वाले फिगर में, तो इसको सपोर्ट करने का काम है स्टेटर फ्रेम का। और सेकंड काम क्या है, एक्ट एज अ कवरिंग बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू इनर पार्ट्स। देखो बीच में जो भी पार्ट्स रहेंगे तो इन सभी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम ये स्टेटर की फ्रेम करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो ये स्टेटर की फ्रेम के लिए हमारे पास मटेरियल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, डाईकास्ट यूज़ किया जाता है स्मॉल मशीन्स के लिए डाईकास्ट, और अगर मशीन्स लार्ज होगी तो फैब्रिकेटेड स्टील भी प्रिफर करते। एंड फ्रेम्स आर प्रोवाइडेड विथ फिट बाय विच दे आर फिक्स टू द बेस प्लेट। तो देखो फ्रेम्स ऑलवेज प्रोवाइडेड विथ द बेस, हमेशा बेस से वो प्रोवाइड की होती है। देखो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो है बेस, तो बेस प्लेट से हमेशा फ्रेम को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है वो है लिफ्टिंग आय। लिफ्टिंग आय क्यों प्रोवाइड किया है, अगर कोई क्रेन से आपको वो स्टेटर की फ्रेम ऊपर करनी है, मतलब स्टेटर पूरी की पूरी थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करनी है, तो ये लिफ्टिंग आय इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो लिफ्टिंग आय प्रोवाइड किया जाता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ऊपर करने के लिए और अलग जगह पर वहाँ से मूव करने के लिए। तो ये है स्टेटर फ्रेम। अभी स्टेटर कोर देखते, अभी डिस्कस करते हैं स्टेटर कोर के बारे में। तो देखो ये बीच में आपको जो दिखाई दे रही है ये है पूरी की पूरी स्टेटर कोर। स्टेटर वाइंडिंग एंड स्टेटर कोर आर ऑलवेज इंसुलेटेड विथ ईच अदर, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वाइंडिंग और ये जो कोर है इट इज़ ऑलवेज इंसुलेटेड विथ ईच अदर।
तो देखो स्टेटर की एक कोर आपको दिखाई दे रही है, ये बीच वाली स्टेटर कोर, इसका फंक्शन क्या है? टू कैरी द अल्टरनेटिंग फ्लक्स, अल्टरनेटिंग फ्लक्स को कैरी करने का काम ये स्टेटर कोर करती है। स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, इट इज ऑलवेज, कौन सी भी कोर हो, ट्रांसफार्मर कोर हो, स्टेटर कोर हो, मतलब मोटर में स्टेटर कोर रहेगी, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर की कोर थी, सभी कोर लैमिनेट किए होते हैं टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, ये मैंने आपको वहाँ भी बताया था। स्टेटर कोर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग, सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग्स के ये स्टेटर कोर बने होते हैं, ठीक है। और वो जो स्टैम्पिंग्स रहती है वो 0.3 टू 0.5 mm थिक होनी चाहिए, मतलब ऐसे जो सर्कुलर कोर यहाँ फॉर्म हुई है वो सिलिकॉन स्टील ऐसे सर्कुलर स्टैम्पिंग्स ऐसे फॉर्म होकर ही वो फॉर्म हुई है स्टेटर की कोर, तो 0.3 mm टू 0.5 mm इतना थिक ही वो होना चाहिए स्टेटर की जो मतलब सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग्स जो रहेंगे आप वो स्टैम्पिंग्स करेंगे वो 0.3 टू 0.5 mm, ये डिज़ाइन कंसिडरेशन है। 0.5 mm के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और 0.3 mm के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, अगर 0.3 mm के नीचे चला गया तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएंगी इस स्टेटर की, स्टेटर कोर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, और 0.5 mm के ऊपर चला गया तो वेट बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा आपको आउटपुट वहाँ आप पा नहीं पाओगे, ठीक है। तो 0.3 mm टू 0.5 mm ये डिज़ाइन कंसिडरेशन है, और 0.3 mm से कम नहीं चलना, मतलब 0.3 mm 0.4 mm ये भी आपको बहुत कम दिखाई देंगे, 0.5 mm इज़ द परफेक्ट चॉइस, क्योंकि देखो 0.3 mm 0.4 mm के स्टैम्पिंग्स अगर आप लगाते तो वो स्टैम्पिंग्स आपको करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा रहेंगे, नहीं तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट वर्क शुड बी लार्ज, टाइम तो आपको ज़्यादा ही लगने वाला है, अगर जितनी mm साइज कम होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं तो वर्कर आपको ज़्यादा प्रोवाइड करने पड़ेंगे इंडस्ट्री में, इसीलिए 0.5 mm इज़ द बेस्ट चॉइस, ठीक है। तो स्टैम्पिंग्स का जो चॉइस है, मतलब सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग शुड बी ऑफ 0.5 mm थिक, और डिज़ाइन कंसिडरेशन है 0.3 टू 0.5 mm थिक, ठीक है। एंड ऑल द स्टैम्पिंग्स आर स्टैम्प टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेटर कोर विच इज़ देन हाउस इन द स्टेटर फ्रेम, ये स्टेटर कोर ऐसी डिज़ाइन होती है बाहर, और डिज़ाइन होने के बाद वो स्टेटर में वो फिट करते, स्टेटर की फ्रेम में वो फिट करते। तो आप सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग्स यूज़ कर रहे हैं तो सिलिकॉन जो मटेरियल है तो वो मैग्नेटिक जो लॉसेस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस, उसको कम करता है, तो सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग्स का हमें ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। स्टैम्पिंग्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील विच हेल्प्स टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस ऑकरिंग इन द मोटर। अभी बढ़ते स्टेटर का थर्ड पार्ट, स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग की तरफ। तो देखो स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, यहाँ देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है स्लॉट्स है, स्लॉट्स में से इन्होंने स्टेटर वाइंडिंग निकाली है बाहर, मतलब स्टेटर वाइंडिंग प्लेस किए स्लॉट्स में, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो ये स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो स्टेटर कोर पर प्रोवाइड किए हैं, यहाँ से भी और बैक वाले जो पार्ट है उससे भी, वहाँ भी हमने स्लॉट्स प्रोवाइड किए फॉर हाउसिंग ऑफ दिस स्टेटर वाइंडिंग, और ये जो है ये है स्टेटर की वाइंडिंग। तो देखो स्टेटर वाइंडिंग का काम क्या है, टू एनर्गाइज बाय थ्री फेज एसी सप्लाई टू प्रोड्यूस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए ही हम स्टेटर वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल में हम वही देखने वाले। तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का काम ये स्टेटर वाइंडिंग करती है बाय एनर्गाइजिंग थ्रू द थ्री फेज एसी सप्लाई, और मटेरियल यूज फॉर दिस स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग इज कॉपर और एल्यूमिनियम, एंड कॉपर इज द बेस्ट चॉइस, इन जनरल कॉपर ही यूज करते हैं लेकिन स्मॉल मशीन्स में एल्यूमिनियम हम यूज कर सकते हैं। तो देखो स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ स्टेटर कोर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर टू कैरी द थ्री फेज वाइंडिंग्स, थ्री फेज एसी सप्लाई इज गिवन टू द थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग थ्रू द टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स मैंने आपको शो किया, ये टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ से हम थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। थ्री फेजेस ऑफ द वाइंडिंग इज कनेक्टेड आर आइदर इन स्टार और डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ स्टार्टिंग मेथड विच वी आर यूजिंग। देखो हमारी स्टार्टिंग मेथड कैसी है, मतलब स्क्विरल केज टाइप ऑफ रोटर हम अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर ही लगता है, और अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर लगता है तो स्टार्टिंग पर्पज के लिए कनेक्शन स्टार में रहते और रनिंग कंडीशन में जब मोटर आएगी तब वो डेल्टा में चले जाते, तो कनेक्शन स्टार टू डेल्टा चले जाते, तो वहाँ थ्रू स्विच आप प्रोवाइड कर सकते, तो 6 के 6 टर्मिनल्स यहाँ बाहर चाहिए, मतलब ये जो हमने टर्मिनल बॉक्स आपको शो किया वहाँ जो 6 टर्मिनल्स होते वो 6 पूरे के पूरे टर्मिनल्स बाहर
वहाँ लगते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, क्योंकि वहाँ हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। वेर एज इन स्लिपरिंग मोटर, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर अगर यूज करते हैं तो वहाँ ऐसा कोई नहीं कि स्टार डेल्टा दोनों भी, एक तो स्टार या तो फिर डेल्टा हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कनेक्ट कर सकते। तो वहाँ ओनली 3 टर्मिनल्स आर ब्रॉट आउट फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन। ठीक है, अभी देखो ये फिगर है स्टेटर की, वो पूरा का पूरा स्टेटर का जो पार्ट है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये है लिफ्टिंग आय, मैंने आपको लिफ्टिंग आय का फंक्शन पहले ही बताया। स्टेटर, स्टेटर की ये कोर है, स्टेटर वाइंडिंग यहाँ प्लेस की है, और ये है फीट, फीट प्रोवाइड किया है स्टेटर को यहाँ सपोर्ट करने के लिए, मतलब इस पर हमारा पूरा का पूरा स्टेटर यहाँ प्लेस हुआ है। तो ये फीट इतना मजबूत होना चाहिए, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ शुड बी सफिशिएंटली वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये फिगर है स्टेटर की, और ये है थ्री फेज फोर पोल स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग कैसे वाउंड करते हैं ये दिखाने के लिए मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूँ। तो देखो ये नंबर ऑफ स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे, ये जो है ये पूरे के पूरे स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस स्लॉट्स में स्टेटर की वाइंडिंग की है। ठीक है, तो स्लॉट्स पर पोल आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो वन फेज के लिए कितने स्लॉट्स है ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ कलर से शो किया। फेज ए के लिए मैंने पिंक कलर यूज किया है। तो देखो यहाँ से ये वाइंडिंग हमने वाउंड की है, फिर ये यहाँ कनेक्ट हुई है, फिर यहाँ और फिर यहाँ। देखो फोर स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं फेज ए के लिए, फेज बी के लिए ऐसे, और फेज सी के लिए। और इनका जो एक टर्मिनल है वो एक एक टर्मिनल, तीनों फेस का जो एक एक टर्मिनल है वो टर्मिनल बॉक्स को कनेक्ट किया है, और दूसरा वाला जो टर्मिनल है वो न्यूट्रल पॉइंट को यहाँ कनेक्ट किया है, क्योंकि स्टार कनेक्शन यहाँ फॉर्म हो रहा है। मैंने स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग आपको शो की है, तो सेकंड टर्मिनल एज अ न्यूट्रल यहाँ फॉर्म हुआ है। तो यहाँ से अगर फेज ए स्टार्ट हुआ है और यहाँ से एंड हुआ है, तो एंड टर्मिनल देखो ऐसे सबके एंड टर्मिनल्स मैंने यहाँ कनेक्ट किए हैं। और टोटल स्लॉट्स कितने हैं 12, और थ्री फेज है तो 12 डिवाइडेड बाय 3, मतलब नंबर ऑफ पोल्स यहाँ कितने हैं 4, ऐसा देखते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टेटर को। फंक्शन ऑफ स्टेटर फ्रेम इज टू सपोर्ट द स्टेटर कोर एंड स्टेटर वाइंडिंग, एंड इट एक्ट्स एज अ कवरिंग बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू इनर पार्ट्स। मटेरियल यूज फॉर स्टेटर फ्रेम आर डाईकास्ट और फैब्रिकेटेड स्टील। फ्रेम्स आर प्रोवाइडेड विथ फीट बाय विच दे आर फिक्स्ड टू द बेस प्लेट। नेक्स्ट है स्टेटर कोर। फंक्शन ऑफ स्टेटर कोर इज टू कैरी द अल्टरनेटिंग फ्लक्स। स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। स्टेटर कोर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग्स। स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, इट्स फंक्शन इज टू एनर्गाइज बाय थ्री फेज एसी सप्लाई टू प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड मटेरियल इज कॉपर और एल्यूमिनियम। थैंक यू। ठीक है, तो आज हमने देखा डिटेल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। In tomorrow's lecture, we are going to discuss detailed construction of rotor of three-phase induction motor, types of rotors. So, agle wale episode mein hum wo discuss karenge, part 2 mein. Thank you.